हे फ्रेंड्स, फ्लाइटेक जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं इंडेन एंड टैब्स। इंडेन एंड टैब्स क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले ये होता है इंडेन एंड टैब्स, ये एक टाइप से रूलर। आप जानते हैं रूलर क्या होता है? स्केल, राइट। अब इसको ऑन करने के लिए, जैसे आपका हो सकता है ऑन ना हो रूलर, ठीक है। तो अब जैसे ये ऑफ हो गया, ठीक है, ज़्यादातर 100% ये ऑन ही होता है। अगर नहीं होता है तो ऑन कर लेना, ओके फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं, क्या चीज़ होती है, क्या बता रहा हूँ मैं इंडेन एंड टैब्स। इंडेन एंड टैब्स में पहले मैंने आपको बताया था पैराग्राफ में कैसे हम लाइन में गैप डालते हैं, कैसे पैराग्राफ में गैप डालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बुक्स पढ़ते होंगे, मैं आपको पहले थोड़ा एग्जांपल बताऊँ तो आपको ध्यान आएगा कि मैं क्या बोलूँ, ठीक। तो पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये आपको दिख रहा है, यहाँ क्या आया, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। तो ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसको मैं पुश करूँगा, करता रहूँगा। मैं पैराग्राफ की सेटिंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पैराग्राफ की सेटिंग कर रहा हूँ। फिर मैं इधर क्लिक करूँगा, मैं क्लिक करूँगा तभी वो होगा, नहीं तो वो होगा नहीं, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ इसको यूँ करूँ, मैं यूँ कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको यूँ करूँ, मैं यूँ कर सकता हूँ। तो पैराग्राफ की सेटिंग कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ इसको पूरा ही इधर कर दूँ, इधर कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको इधर करूँ। तो ये पैराग्राफ की सेटिंग हो रही है। कभी आपने ऐसे पैराग्राफ देखे हैं? क्योंकि मैंने तो नहीं देखे। ओके फ्रेंड्स, पैराग्राफ की सेटिंग हो रही है। तो ये जो मैंने किया है ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता नहीं है। पैराग्राफ हमेशा जैसे इसके नीचे है तो इसके नीचे से ही चालू होगा, और इसके नीचे है तो लाइन से ही चालू होंगे, सब कुछ लाइन से होगा, ऐसे नहीं होगा जैसे मैंने बताया। अब सबको लाइन से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो फर्स्ट इंडेंट है इसको लेना पड़ेगा और ये सेटिंग होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऐसा होता है। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा इधर, ये देखा आपने, अब पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, पैराग्राफ क्या यहाँ से स्टार्ट होगा, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो, तो मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर सकता हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ होती है सेटिंग करना पैराग्राफ की। जब आप बनाओगे कुछ, अगर आपको जैसे प्रोजेक्ट मिला है उस हिसाब से आप बनाओगे तो पैराग्राफ में ऐसे सेटिंग होगी, या आप कोई बुक लिख रहे हो तो ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट। मैं चाहता हूँ कि ये सब बराबर आ जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसको यू ले लूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको यू कर दूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें चेंज हो रही है, ये फर्स्ट इंडेंट है जो चेंज हो रही है, वो इसके थ्रू हो रही है, फर्स्ट 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 लाइन ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसमें भी तो चेंजेस हो, ठीक है ना। तो मैं इसको चेंजेस करने के लिए ये दबाऊंगा, देखा ये अब कहाँ चेंजेस हो रहा है। आप कहोगे कि ये तो दोनों में चेंजेस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं नीचे वाला इंडेंट हिला रहा हूँ तो ये तो हिल ही रहा है, मगर ये भी तो हिल रहा है। अब देखना, वो ऊपर वाला इंडेंट भी तो हिल रहा है, ऐसा तो नहीं है वो रुक गया, तो वो भी हिलेगा, मगर फर्स्ट को हिलाएंगे तो वो नहीं हिलेगा। जब मैं फर्स्ट को हिलाऊंगा ना तो वो नहीं हिलेगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन हिलेगी। तो ये होता है इंडेंटेशन करना, ठीक है। अब आप चाहते हो इसकी सेटिंग करना तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा यूं करके, थोड़ा सा इधर करके, ऐसे करके यूं कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सिर्फ इस पैराग्राफ को हिलाना है तो ये हिला सकते हैं, मैंने सेलेक्ट नहीं किया,
अब आप सोच रहे होगे कि ऊपर वाला तो ही नहीं हिल रहा है क्योंकि मैंने सब सेलेक्ट नहीं किया है। जब मैं सब सेलेक्ट करूंगा ना तो वो हिलेगा। अब आप सोचोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हिलाऊंगा, एक मिनट, अब मैं इसको पुश करूंगा तो ये भी हिल रहा है, देखा आपने। मैं ये कह रहा हूँ, आप सोच रहे थे ना कि नीचे वाला ही क्यों हिल रहा है, क्योंकि मैंने सब सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है इंडेंटेशन करना, पैराग्राफ की सेटिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप पैराग्राफ को सेटिंग करना चाहते हो, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जब हम सेलेक्ट करते हैं तो पूरे को सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि पैराग्राफ की सेटिंग एक सी रहनी चाहिए, अलग अलग नहीं रहनी चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा, बुक्स में है ना सेटिंग एक ही होती है, एक ही टाइप से होती है। अब मैं ऐसे बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उनमें भी काम आता है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज़ है जो मैंने आपको बताई, इंडेंटेशन टैब्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना ये चीज़, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट्स में लिखना, मैं उसको सॉल्व जरूर करूँगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, 2 मिनट का काम है प्रैक्टिस करनी, हो गया, ज़्यादा काम नहीं है आपका, और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फ्रेंड्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखना, बाकी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाय।